Weaving is done on special machine called loom. B is the answer of question number 2. Now come on question number 3. Which of these is called golden fiber? Jute. Option number D is the right answer, jute, because it is golden in color. Question number 4. Which of these is a natural fiber? Rayon? No. Acrylic? No. Polyester? No. Silk? Yes. Silk is natural fiber because it is obtained from silkworm, which is an animal fiber. Jo animal fiber hai. Next, question number 5. All fabric are made of loose thread called yarns. Humne baat ki thi. Firstly, fiber are converted into yarn and these yarn are converted into fabric. तो इसी की डिस्कस यहाँ पर हो रही है कि फाइबर फैब्रिक के अंदर जो लूज थ्रेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं यार्न. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ए यार्न. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6. द अदर नेम ऑफ फ्लेक्स इज कॉल्ड वूल? नो. लिनन? यस. बी इज द राइट आंसर, लिनन. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोविंग जूट प्लांट? कि जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे बेटर जो है क्लाइमेट कौन सा होता है. क्लाइमेट का मतलब होता है वेदर, वेदर कंडीशन कौन सी उसके लिए इफेक्टिव होती है. तो इसका आंसर आएगा ड्राई? नो. वार्म? नो. ह्यूमिड? नो. वार्म एंड ह्यूमिड यस, क्योंकि हमने ड्यूरिंग चैप्टर डिस्कस भी किया था ये कि वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन आर बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर कुछ फिलअप्स हैं जो हमें फिल करने हैं. फर्स्ट है, फाइबर आर क्लासिफाइड एज. फाइबर को किन टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? नेचुरल एंड सिंथेटिक. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज नेचुरल एंड सिंथेटिक. 2. द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स. क्या बोलते हैं उस प्लांट को हम? फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट को कॉटन बॉल्स. Now come on question number 3. The process of making yarn from fiber is known as spinning. Spinning ka matlab hota hai rotation. So by the help of spinning, we can easily convert fiber into yarn. Now come on question number 4. Linen is obtained from dash plant, flax plant. Answer is flax plant. Now come on question number 5. Weaving is done by special machine called looms. जिनको क्या बोलते हैं हम? Looms. अब हम आ जाते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे. डिफाइन सेरी कल्चर. सेरी कल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑप्टेन सिल्क. कि जब हम रियरिंग करते हैं, एक तरह से हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं जब सिल्क वॉर्म की, सिल्क ऑप्टेन करने को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेरी कल्चर. सो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑप्टेन सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरी कल्चर. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम देयर सिल्क कॉल्ड? कि कॉटन फाइबर में से सीड्स निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्बिंग. आंसर इज कॉम्बिंग. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज शेयरिंग? सबसे पहले तो रिमाइंड करो कि शेयरिंग वर्ड कहाँ यूज हुआ था? शिप के लिए. तो एज फॉर शेयरिंग, एज फॉर शिप. इट मीन्स रिमूवल ऑफ हेयर्स ऑफ द शिप इज नोन एज शेयरिंग. कि जब शेविंग करते हैं हम शिप के टू ऑब्टेनिंग वूल, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग. नेक्स्ट, व्हाई आर स्वेटर मेड फ्रॉम वूल? कि वूल से ही क्यों बनी है स्वेटर, क्या रीजन है कि जो सिर्फ वूल से बनी है, कोई भी कॉटन सिल्क या कोई एनी अदर फाइबर से क्यों नहीं मिली, बन के मिली? तो इसका आंसर आएगा, स्वेटर आर मेड फ्रॉम वूल बिकॉज वूल इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. गुड कंडक्टर है हीट का, जो क्या करता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को एंड इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड कोल्ड, जो हमारी बॉडी को कोल्ड से बचा लेगा. सो दिस इज द आंसर, बिकॉज इट इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज नीडेड टू ग्रो कॉटन प्लांट? कॉटन प्लांट के लिए जो बेस्ट सॉइल होती है वो होते हैं ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल. ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर डी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट आर नेचुरल फाइबर? गिव टू एग्जांपल्स. नेचुरल फाइबर आर द फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल थिंग नेचर लाइक एनिमल एंड प्लांट्स.
very cheap fiber. एक तो less expensive है fiber जो man-made होता है. Second, moth resistant. कि इस पे जो है easily कोई भी कीड़ा या जिसको हम बोलते हैं moth वो नहीं लगता. उसके बाद क्या है, easily इसको हम form कर सकते हैं. Durability. It is more durable. Durable means long lasting. ये ज़्यादा दिनों तक चलता है. So these are the three properties of man-made fiber. Now come on the question number 4. What are the sources of natural fiber? Sources of natural fiber are plant source and animal source. For example, cotton, jute are obtained from plant, and silk and wool are obtained from animal. So these are the two sources of natural fiber. Next, question number 5. State two properties of silk and their uses. Silk ki two properties batani hai. So silk ki first property kya hai? Silk is very first is it is very strong fiber, and second is it is shiny. It is very strong, and this is very important property of silk because it is even stronger than steel. कि steel से भी ज़्यादा stronger है. Second हम कह सकते हैं कि एक तो natural fiber है हमारा और कैसा color का.